होपफुली मैं बुरी तेज से बोल रही हूँ, पूरी आवाज आ रही होगी वहाँ पे। तो फाइनली टीवी भैया ने इंस्टॉल कर दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने रख दी है अपनी लेमन टी पीने। रूडी कोको से गुड मॉर्निंग। लाडो लुक हियर, लुक हियर। गुड मॉर्निंग। ओ मेरा बच्चा, ओ माय गॉड, माय कैरेक्टर इज बैड cuz ही इज ऑफ टू स्कूल। ओली ओली खाला हो गया, खड़ा हो गया भाई। मैं तो खड़ा होके दिखाता हूं। वेट कोको, हां वेट, मैं तो खड़ा होके दिखा देता हूं आप सबको। छपको में खड़ा होके दिखाऊंगा भाई। अब मैं छींक रहा हूँ तो मैं दिखाऊंगा भी तो चाहिए। और मैं बहुत बीमार हूँ लोगों, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे कोल्ड हो गया, मुझे फीवर हो गया, मैं बीमार ही रहता हूँ। बस एक हसमुख सा फेस लेके बीमार ही रहता है मेरा बेटा। मैं कहा गलूँ, बेतू बीमार रह जाता है मेरा बेतू, बहुत बीमार रहता है, बहुत बीमार रहता है। ना चाय पीने के बाद मैंने देख रहे हो आज ना पूरे इन गमलों में खाद डाली है और इस तरीके से। बाकी साथ ही मैंने ना ये बर्ड्स का जो चिड़ियों का पानी होता है ये भी भर दिया है, क्योंकि ना मैं जब आई बाहर ची 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 कर रहे थे और खाली था पॉट तो मैंने भर दिया। और यहाँ पे मैंने ये जेड प्लांट की कटिंग लगाई है आज। ये चाय, ये रहा हमारा पराठा और ये रहा रूडी। ये रूडी के पराठे, रूडी और खोखो के पराठे बिना मिर्च वाले, बिना हरी मिर्च वाले। और ये हमारे क्या नितिन, अभी बज गए दिन के 1:30 और अब हम करेंगे लंच। और गाइस आज हमारे घर आया है एक टीवी। हाँ, जब इंस्टॉल होगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। हमने सोनी का टीवी लिया है और लंच में बनाया है गोभी मटर, ये सूखे आलू और रायता और है पूरी। तो अब हम करेंगे लंच। लंच के बाद इंस्टॉलेशन के, टीवी इंस्टॉलेशन के लिए आने वाले हैं भैया, वहां जाएंगे। और आज खोखो स्विमिंग जाएगी, उसकी भी क्लिप आपको मिलेगी। तो अभी हम पहले करते हैं लंच। तो थाली लग चुकी है पूरी, सूखे आलू मटर गोभी इन रायता। तो फ्रेंड्स अब करेंगे लंच। लंच के तो दिस इज द न्यू टीवी। नाउ Amazon sent us a code that had to be shared only after inspection, but the delivery guy did not allow us to open it unexpected. So Mr. Vinod, the engineer from Sony, he is here and he'll be validating if the TV is fine. रहा टीवी जो बॉक्स के अंदर से निकल गया है और इसके ऊपर ये जो फ्रेम है इसको क्या बोलते हैं भैया, जो ये व्हाइट रंग का फ्रेम लगा हुआ है इसको? ये स्क्रीन सॉरी स्क्रीन कवर है। तो आप इसको भैया निकालेंगे, उसके बाद इसको वॉल पे ड्रिल से लगाया जाएगा। यहाँ पे भैया ने माउंट लगा दिया है, माउंट ही बोलते हैं ना भैया इसे, और इसके ऊपर आप सिर्फ अब टीवी ऐसे फिक्स हो जाएगा, इसके ऊपर टीवी लग जाएगा। ओके, और ये रहा नीचे टीवी। काफी हैवी है क्या टीवी? नहीं नहीं, वेट इतना नहीं, साइज साइज बड़ा है। सही है। ओके, तो जो यहाँ का टीवी था वो बेडरूम में मैंने शिफ्ट कर दिया और यहाँ के लिए ये टीवी नया लिया गया है जो कि अब लग रहा है वॉल पे। फाइनली बस लग गया, छोड़ दो, लग गया भैया। बस ये कुछ निकला होगा इसका, बिल्कुल सेफ है ये तो, हटेगा सारा जी। तो अभी टीवी को हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली टीवी भैया ने इंस्टॉल कर दिया है और ये जो चल रहा है ये क्या चीज है भैया? ये वॉलपेपर, 4K वीडियो चला रखे, ये 4K वीडियो है। तो पहला टीवी भी हमारा 4K ही था ना? हाँ, तो अच्छा ये भी 4K ही है। 4K है जी, 4K एट 60 हर्ट्ज चलाना, 120 हर्ट्ज चलाना कुछ मिले तो। दोनों खा रहे हैं चॉकलेट बिस्किट्स, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर ईटिंग चॉकलेट कुकीज। यूंजन चॉकलेट। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो हम थोड़ा बाहर निकले हैं क्योंकि एक तो रूडी का मिल्क खत्म हो गया है, साथ ही खोखो को आइसक्रीम खाना है तो वो आइसक्रीम खाएंगे। यस बेबी वेट, तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। नो 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 रूडी नो। रूडी सो गया है, रूडी कार में ही सो गया है क्योंकि दिन भर ये सोया नहीं था, तो दिन में ही सोता ही है बच्चा, तो अभी यहाँ पे सो गया है। नितिन गए हैं इसका नैनप्रो मिल्क लेने के लिए, जो सामने केमिस्ट शॉप में अगर दिखा पा रही हूँगी तो वहाँ पे इसका नैनप्रो मिल्क लेने गए हैं।
और यहाँ पे अभी हम कार में ना डीजल भरवाने के लिए रुके हैं। ये नितिन की कार है जिसमें डीजल भरती है, जो मेरी है उसमें पेट्रोल भरता है। तो कल मंडे है, कल से इसलिए नितिन आज ही अपनी कार में डीजल भरवा रहे हैं। साथ ही रूडी सो चुका है नितिन पीछे मास्क पहन के, ठीक है। और खोखो देखो, खोखो भी सो चुकी है, खोखो सो रही है, रूडी सो रहा है, सब सोए हैं। अभी इसके बाद ना टीवी लग चुका है घर पे, कुछ काम सही नहीं होते तुमसे, कुछ काम, कुछ गिराते हो, कुछ गिराते रहते हो, सब चीज गिराते रहता है नितिन, कुछ काम ठीक नहीं होता नितिन से, है ना। बोतल गिरा दी बस। खोखो वेर यू गोइंग? टू स्विमिंग पूल। अभी हम जा रहे हैं खोखो के लिए स्विमिंग करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और हम लोग जा रहे हैं खोखो स्विमिंग के लिए। खोखो और उसके डैडा स्विमिंग के लिए जाएंगे, मैं साथ में बैठूंगी। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम। वो रहे वो नितिन प्राइम के साथ, तो साथ ही ना मैं इनके साथ बैठ जाऊंगी, क्योंकि घर में बैठ के क्या करूंगी, ये लोग स्विमिंग करेंगे और उसकी क्लिप भी आप लोगों के लिए डालूंगी मैं भी। तो ये पीछे रहा हमारा सोसाइटी का पुल, और नितिन वेट कर रहा है खोखो के लिए, जो कैप आनी थी और जो गॉगल्स आने थे स्विमिंग पूल के लिए, तो उसको कॉल कर रहा है। जैसे ही कॉल होता है उसके बाद उसको भी स्विमिंग पूल में उतराएंगे। आप देख रहे हो पीछे वो खड़ी है ब्लैक निकर में खोखो। तो फाइनली मैं रूडी के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ, नीचे रूडी है। इसको ना साथ में मैंने एक बिस्किट दे दिया है, खोखो के लिए गॉगल्स आने के वेट हो रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर ये स्विमिंग पूल। तो खोखो बहुत एक्साइटेड है, देखो अगर एक बार पुल में जाने के बाद उसको कैसा फील होता है वो हम देखेंगे। होपफुली मैं बुरी तेज से बोल रही हूँ, पूरी आवाज़ आ रही होगी वहाँ पे। खोखो के लिए ना ये ग्लासेस आ गए हैं और ये इसकी कैप आ गई है। तो अब खोखो हो गई है रेडी। शो मी वेट हियर, लुक हियर, या वेयर इट। तो खोखो रेडी है अपने कपड़ों के साथ। खोखो लुक हियर बेटा, हियर शी इज। एंड वो रही खोखो ब्लैक निकर, और जो ऊपर से उसने ब्लैक स्कल कप पहना है और पिंक कैप। खोखो से हेलो, कम टू मम्मा। ये आर यू एंजॉयिंग? तक खोखो और उसके डैडी स्विमिंग कर रहे हैं, तो रूडी यहाँ पे आराम से, मैंने ऐसे इसके ना नितिन का फ़ोन रख दिया इसके लिए, और ये यहाँ पे प्रैम में बैठ के इंजॉय कर रहा है। बस थोड़ी देर और करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं घर वापस। फाइनली मेरा खोखो स्विमिंग करके आ गया, और आज ना इसका फर्स्ट डे था स्विमिंग में। और मतलब पता है वो मुझसे पूछ रही थी जो संदीप है हमारी नेबर, सामने वाली नेबर, कि ये पहले भी करती थी, तो मैं ला नहीं ये फर्स्ट टाइम कर रही है। यस बेटा टेल मी, टुमारो गेट मी अ बार्बी स्लोली फॉर देयर। ओके ओके ओके, आई विल पैक, ओके आई विल डू। मेरे बच्चे ऐसे हैं, क्या करूं। ये उल्टा क्यों बैठा है? मैला मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, क्या करूं। कोई उल्टा बैठता, कोई सीधा बैठता है। अब जाएंगे हम घर, खोखो को दूंगी शावर, क्योंकि ये पानी में क्लोरीन मिला होता है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। नो नो बेटा, यू हैव टू टेक शावर, अदरवाइज यू योर बॉडी विल बिकम स्मेलिंग, राइट गाइस? यस। तो खोखो जाने के बाद लेगी शावर। ओके ओके, एंड अगर अभी शावर ले लेगी तो फिर मॉर्निंग में नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि हो गया है, फिर कल इवनिंग में फिर ये कर लेगी, और उसके बाद फिर इसको फिर, अब ऐसे अगर रेगुलर आते तो यही रूटीन इसका मैं बनाऊंगी कि रात में नहला दूंगी और मॉर्निंग में नहीं नहलाऊंगी। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और खोखो आ गई अपनी स्विमिंग क्लास से। अब मैं इसको नहलाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के लिए।